नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के चलते, प्लीज अपने घरों में सेफ रहें और सुरक्षित रहें। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा स्टैनर के बारे में। हमारे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने बड़ा ही रिक्वेस्ट किया था, तो मेरे को लगा उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं आज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टैनर के बारे में। तो डियर, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो कोई भी है, कोई भी जब हमारे से कोई सवाल करता है ना, तो ये मान के चलो हमेशा कि उसमें 50% आंसर उसी में छुपा होता है, और 50% हमें थोड़ा अपना आईक्यू लगाना होता है। तो ये शब्द देखिए आप, स्ट्रेनर, अगर हम इसका हिंदी में मीनिंग जाने तो इसका मतलब होता है छानना, या जिसके माध्यम से छाना जा सके। अपने घर में जो चाय बनाते हैं उसके अंदर की जो पत्ती होती है ना, उसको छानने के लिए हम क्या करते हैं, छाननी का प्रयोग करते हैं, छननी जिसको बोलते हैं हम। तो ये भी वही छलनी है, सिर्फ यहां पे थोड़ा दूसरे तरीके से प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका प्रयोग करते कहां पे है। बहुत सारे लोगों के माइंड में एक ही चीज होगा कि ये तो खाली फायर टेंडर में ही प्रयोग होता है, लेकिन यहां से दिमाग डाइवर्ट कीजिए आप। मैं बोलता हूं जहां पे फायर टेंडर नहीं वहां पे भी यूज होता है, और हर वो व्यक्ति जो फायरमैन की ड्यूटी कर रहा है वहां पे स्टैंडर है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ कहां पे है। अगर आपके पास फायर की लाइन है, फायर हाइड्रेंट है ना, तो अभी स्टैंडर लगा हुआ है। अब आप बोलोगे यार हाइड्रेंट में कहां स्टैंडर आ गया, तो डियर फायर पंप हाउस में स्टैंडर लगा है, चाहे अभी जाके देख लेना आप। अगर आप ड्यूटी पे हैं तो जाकर के देख लेना, जहां से आपका सक्शन हेडर निकला है टैंक के बाद इधर वे, अभी मैं दिखाता हूं। मान लिया यहां पे टैंक बनाया हुआ और हमारा सक्शन हेडर इधर पंप, ये सारे पंप है, ठीक है, तो यहां पे आपको एक स्टैंडर लगा हुआ मिलेगा और उसका आकार इस तरह से निकला हुआ मिलेगा नीचे की तरफ। जब ये नीचे की तरफ निकला तो समझ लो स्टैंडर ही हो। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके तो कहना ही कि उनको तो ऑलरेडी पता भी होगा। तो ये जो स्टैंडर है इसका काम क्या होता है, मैं पंप हाउस की बात कर लेता हूं पहले। जब यहां से हम पानी लेते हैं टैंक से इधर पंपों के लिए, तो ये पानी स्टैंडर से होके गुजरता है। यहां पे जो आकार बना होता है ना, स्टैंडर जो लगा होता है वो इस तरह का लगा होता है, यू यू। अब क्या होता है, जब इधर से पानी जाएगा ना, तो इससे होकर के जाएगा, छन के जाएगा, इसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर या कोई प्लास्टिक है या पॉलिथीन है तो वो यहीं पे रुक जाएगा, और रुकने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे की तरफ जो निकला हुआ है इसके अंदर जाके बैठ जाएगा, यहां नीचे। अब उसके बाद पानी इधर जाएगा, इससे क्या होता है, अगर कोई कंकड़ पत्थर हमारे फायर लाइन में चला गया, सबसे पहले तो एम्परेटर में जाएगा, एम्परेटर को डैमेज कर सकता है, ठीक है। अब एम्परेटर डैमेज हो गया तो आपका पानी की जो वेलोसिटी है उसमें डिफरेंट पड़ेगा, प्रेशर में डिफरेंट पड़ेगा। अगर यहां से भी निकल गया तो आगे जाने के बाद कहीं ना कहीं उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला तो आपकी लाइन को चौक कर देगा, चाहे वो हाइड्रेंट की लाइन को चौक करो, चाहे वो होजरी की लाइन को चौक कर दे, वो उसको चौक कर सकता है। उसके बाद
जब हाइड्रेंट की लैंडिंग वाल्व में हम जो सीट वाशर लगाते हैं ना, वहां पे भी जब वो बाहर निकलता है अगर वहां पे रुक जाता है, उस पानी के माध्यम से बाहर नहीं आ पाता, अगर वहां रुक जाता है तो हमारी सीट वाशर को डैमेज कर देता है। आपने देखा होगा जब सीट वाशर को हम चेंज करते हैं ना तो वहां पे कंकड़ पत्थर मिल जाते होंगे और उसी के कारण सीट वाशर कटती है। और उसका दूसरा रीजन होता है कि हम इतना टाइट करने लग जाते हैं उसको, सीट वाशर को, लैंडिंग वाल्व को, तो सीट वाशर पे दबाव आने के बाद रबड़ी तो है वो, कितना दबाव झेलेगी, कट जाएगी। तो ये दो रीजन होते हैं। तो स्टैंडर्ड यहीं पे होता है डियर, इसके भी एक फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। इसकी फ्रीक्वेंसी है कि एक साल में तो आपको एक बार खोल करके उसको चेंज करना ही है। अब ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कंकड़ पत्थर नहीं आए तो जाम नहीं होगा। ये जो स्टेनर है उसके अंदर छेद होते हैं, मैं आपको पिक के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह का होता है। पहले एक बार ये देख लीजिए, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पिक के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, देखने से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे क्या होता है, जब पानी ठहरा होता है ना, आपको पता है कि पानी में जंग लग जाता है। अगर हम पानी में कोई लोहे की चीज छोड़ देना तो वो भी जंग खा करके गल जाती है। अगर और दूसरा ये भी कि जो टैंक होता है ना उसमें आप देखना मिट्टी की मात्रा जम ही जाती है। हमारे घरों में जो पानी की टैंकी होती है उसके अंदर मिट्टी जम जाती है और फिर वो मिट्टी के संपर्क में जब ये स्टैनर आता है तो स्टैनर या तो चौक हो जाएगा या फिर वो गल के सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ना कि बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम फायर टेंडर की, कि फायर टेंडर में कहां पे यूज होता है। फायर टेंडर में यूज होता है, मान लिया ये फायर टेंडर इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है, यहां पे लैंडिंग वाल्व है और यहां पे पंप है। अब यहां से हम सक्शन होज लगाते हैं नीचे की तरफ और यहां पे स्टैंडर को जोड़ा जाता है और उस स्टैंडर को जोड़ करके हम पानी में छोड़ देते हैं। जब हमें कहीं पे किसी तालाब कुएं वगैरह से पिट से हमें पानी लेना होता है तो वहां पे हम स्टैंडर का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो पंप है जब वो पानी को खींचेगा ना तो 10 या 15 केजी प्रेशर में वो खींचेगा और तो उसके आसपास का जितना भी जमीन में मटेरियल पड़ा होगा, कंकर पत्थर प्लास्टिक, वो सब खींचेगा अपनी तरफ, सक्शन करेगा। और सक्शन करने के कारण यहां पे जो अगर हम ये नहीं लगाएंगे ना तो इसके माध्यम से अंदर पंप में चलेगा और ब्लेड को डैमेज कर देगा और आगे जा करके फिर अगर हमारी पाइप में जाता है, ब्रांच में जाता है, उसको चोक कर देगा। तो इसलिए हम यहां पे स्टैंडर लगाते हैं और यहां पे एक रस्सी के माध्यम से बांध दिया जाता है। वो बांधते हैं बास्केट स्टैंडर को, वो दिखाने से पता लग जाएगा, मैं दिखाऊंगा। दूसरा होता है ये होता है बास्केट स्टैंडर, भी इतना तो आपको पता लग गया। अब बात करते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है बास्केट स्टैंडर जो कि लकड़ी का होता है, दूसरा होता है मेटल स्टैंडर जो कि धातु का बना होता है। ये क्या होता है बास्केट स्टैंडर और मेटल स्टैंडर, इसको मैं पिक के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए सामने, ये है बास्केट स्टैंडर, ये वाला जो हिस्सा है इसको पानी के अंदर छोड़ा जाता है और ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे आप देख रहे रस्सी के साथ पूरा प्रॉपरली टाइट किया होता है। और ऊपर अब ये देखिए, पीछे करके दिखाता हूँ, ये ऊपर वाला, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे सक्शन होज के साथ ही इसको बांध दिया जाता है। रस्सी देख रहे हैं आप साथ में, इसके माध्यम से पाइप को टाइट बांध दिया जाता है जिसके कारण ये स्टैंडर पाइप से दूर नहीं होता, छूटता नहीं है। ठीक है, अभी बात करेंगे हम स्टैंडर की। ये देखिए, ये होता मेटल स्टैंडर, ये जो आप मेटल स्टैंडर देख रहे हैं इसके ऊपर ये जो सामने जो लोहे की तीन लॉक निकले हुए हैं इसको यहां से हम टाइट करते हैं। इसके अंदर चूड़ी होती है जो आप देख रहे हैं, अंदर थ्रेड होता है, उसके माध्यम से हम सक्शन होज में इसको टाइट कर देते हैं सक्शन रिंच के माध्यम से।
और फिर हम इसको लगाने के बाद पानी में छोड़ देते हैं और पानी चालू हो जाते करने की कोशिश करते हैं। तो आपने पिक के माध्यम से समझ लिया होगा। अभी आपने जो मेटल स्टैंडर देखा था ना, उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन और होता है। वो क्या होता है, स्टैंडर के अंदर एक एनआरवी लगा दी जाती है, जिसको हम फुटबॉल स्टैंडर बोलते हैं, और शॉर्ट भाषा में हम उसको फुटबॉल भी बोल देते हैं कि भाई सक्शन के अंदर फुटबॉल लगा करके उसको छोड़ दो पानी में। ये शॉर्ट भाषा है। फुटबॉल का मतलब ये नहीं है कि वो वाला फुटबॉल, ठीक है, फर्क इतना ही है। इसके अंदर एनआरवी लगा दी जाती है। अब वो एनआरवी लगाने का फायदा क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। मान लिया ये हमारा स्टैंडर है, यहां पे एनआरवी लगा दी जाती है, ठीक है। वो एनआरवी कैसे काम करती है, जब पंप चलेगा तो नीचे का पानी शक करके ऊपर भेज देगी, और ये हमारा जो पाइप है इसके अंदर पूरा पानी फिलअप हो जाएगा। अब फिलअप होने से क्या होगा, अब आपको पंप बंद करना है। जैसे आप पंप बंद करेंगे ना, जो पंप का सक्शन है वो बंद हो जाएगा, तो ये एनआरवी नीचे गिर जाएगी। एनआरवी नीचे गिरने से क्या होगा, एनआरवी से ऊपर यहां तक, एनआरवी बोले तो नॉन रिटर्न वाल्व, इधर का पानी ऊपर जा सकता है, ऊपर का पानी नीचे रिटर्न नहीं आएगा। फुटबॉल का ये काम है, नॉन रिटर्न वाल्व का ये काम होता है। अब यहां पे क्या हुआ, जैसे हम सक्शन पंप को बंद कर देते हैं, और पंप बंद करने के बाद ये एनआरवी बंद हो जाएगी, ये ऊपर यहां से यहां तक का जो पानी है ना वो उसके अंदर ही रहेगा, ये खाली नहीं होगा। उसे फायदा क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा अपने घरों में, हमें जब अपने नल को चलाते हैं ना तो उसके अंदर पानी डाल देते हैं, जब पानी नहीं उठा पाता ना तो उसके अंदर हम पानी डाल देते हैं, और फिर उसके बाद हमारी मोटर पानी उठा लेती है और पानी चालू हो जाता है। तो ये एनआरवी जो है ना वो इसीलिए लगाई गई क्योंकि वहां पे हम बार बार इसको खोल नहीं सकते और पानी नहीं छोड़ सकते। ये किस लिए होता है, अब ये आप बोलेंगे हमारे टैंक में पानी, उसका पानी इसमें छोड़ देंगे आ जाएगा, लेकिन जब हम फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं तो टैंक का पानी मान लिया यूज हो गया, ठीक है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो हमें क्या करना है, ये फुटबॉल से लगा करके ये पानी यूज कर लेना है। आपको सक्शन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, झट से पानी उठाएगा, सेकंडों के हिसाब से पानी उठाएगा, तुरंत पानी उठेगा, इसलिए यहां पे फुटबॉल का प्रयोग किया जाता है। और आजकल तो लगभग 90% फुटबॉल का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये बास्केट स्टैंडर है, ये बहुत पुराना वर्जन है फर्स्ट टाइम का। उसके बाद मॉडिफिकेशन आया तो मेटल स्टैंडर बना दिया, अब और मॉडिफिकेशन हुआ तो मेटल स्टैंडर के साथ एनआरवी जोड़ दी, जिसको फुटबॉल का नाम दिया गया है। तो ये था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज छूट गई है या मेरे समझाने का तरीका आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। जब तक और एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना ना भूले, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी फायर लाइन में अब जब कमेंट आते हैं ना हमारे पास, ऐसे ऐसे लड़के हैं, मैं बुराई उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, ये मत बोलना कि भाई ये तो बुराई कर रहा है, बुराई नहीं कर रहा हूं भाई, किसी भी कारण से या तो वो पढ़ नहीं पाए या फिर उस इंस्टीट्यूट ने उसको इतनी नॉलेज नहीं दी, उसने इस तरह से अच्छे से पढ़ाया नहीं, जो वो होने को ये बेसिक नॉलेज थी लेकिन उसको बताया नहीं किसी ने, उसको पता नहीं था। तो इस तरह से आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अब आप हर चीज को जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में सभी लोग उस चीज को जानते हैं। तो प्लीज शेयर जरूर किया करो ताकि इससे दूसरों का भी मदद हो, और जो दूसरों की मदद करता है उसकी भगवान मदद करता है। तो आज तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत।